हेलो नमस्कार, कैसे हो सभी लोग। मसला सीईटी के जो सी ग्रुप के मेंस पेपर की कहानी थी, जो कल सुबह होना था और संडे होना था, 6 और 7 अगस्त को जो पेपर होना था, उसके बारे में आज दिन में न्यूज़ आने लग गई कि भई ये पेपर जो है होगा या नहीं होगा। कोर्ट में हियरिंग हुई है। अब एचएसएससी की तरफ से और सरकार की तरफ से कोई भी बात फाइनल नहीं है, अभी भी कोई भी बात यहाँ तक पहुँची नहीं है। मेरी अभी एचएसएससी में बात हुई है 10-15 मिनट पहले ही। तो अभी जो कहानी है ये क्लियर नहीं है कि सुबह पेपर होगा या नहीं होगा। शिक्षा और रोजगार के लिए सरकार की प्रायोरिटी कितनी है, कितने युवा अपने घरों से इधर उधर घूम रहे हैं, क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा है, ये जो है अब क्या कहें। और कुछ बोलेंगे तो फिर जो है हम एंटी गवर्नमेंट या इस प्रकार की बातें। हमने तो सरकार को शुरुआत से ये बात बताई थी कि जिस तरीके से आप लोग ये सीईटी को निपटाना चाह रहे हैं, ये निपटेगा नहीं और ये आपके गले में हड्डी की तरह फंसेगा। तो ये सीईटी का इशू गड़बड़ का मामला है। अब फोन्स मेरे पास इतने आ रहे हैं, मैसेजेस इतने आ रहे हैं और मैं 4 बजे से अब तक कंटिन्यूअस कॉल्स पर हूँ, कंटिन्यूअस मैसेजेस पर हूँ। एक टाइम था जिस टाइम पर जो है जैसे ये जो सर्कुलेट हो गया था कि हाई कोर्ट से स्टे हो गया है, लेकिन एचएसएससी का ऑफिशियल नोटिफिकेशन अभी तक नहीं आया है। थोड़ी सी देर पहले ही मेरी बात हुई है। तो आप सभी लोग जो है मेरे ख्याल से ऐसा करना चाहिए, अपने सेंटर्स तक रवाना हो जाओ। अगर पेपर होता है तो ठीक है, पेपर नहीं होता है तो फिर उस शहर में अपने आप घूम के आना, ट्रिप मार के आना, मस्ती करके आना। अब जो काम अपने हाथ में नहीं होता उस काम के लिए दुखी नहीं होना चाहिए। पेपर होगा कब होगा नहीं होगा ये हमारे हाथ में नहीं है। और सरकार और मंत्री और आयोग जो है जैसे कोई आदमी सुन नहीं रहा है, जैसे शुरुआत से इस बात को बोला गया है, प्रोटेस्ट भी किया गया है, गिरफ्तारियां भी दी गई हैं, सारे काम हुए हैं और जो बातें मैंने बोली थी आज वे सारी बातें कैसे कैसे सही है। मैंने कहा था इस तरीके से जो किया जा रहा है और ये बैकडोर का जो है मामला चल रहा है, कितने जो है बच्चों को नंबर आ रहे हैं, कितने नहीं आ रहे, क्लियर ही नहीं है, हो क्या रहा क्या नहीं हो रहा है। तो ये मामला थोड़ा सा गड़बड़ का है और लीपापोती करने के उसमें पक्ष में सरकार है। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कर दो, क्योंकि बहुत लोग अपने घर बैठ चुके हैं। दिन से जो है ये बात चल रही थी, अभी एचएसएससी की तरफ से, सरकार की तरफ से, सरकार के वकील की तरफ से कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। जो बयान सर्कुलेट हो रहा है वो उस वकील का है जो कि जिसने केस किया था, जो केस करने वाले का वकील है, और जो वो तो अपनी बात बताएगा ही बताएगा। अब रियलिटी क्या है इस बात के बारे में एचएसएससी ने कोई भी फैसला नहीं लिया, कोई बात नहीं बताई है। अब वो पेपर होगा नहीं होगा क्या नहीं होगा वो तुम देख लो। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कर दो, सब लोगों को बता दो। मैं भी कोशिश कर रहा हूँ, बहुत कॉल्स और मैसेजेस आ रहे हैं मेरे पास, मैंने भी स्टेटस लगा रखा है, मैंने भी अपने ऑफिस के नंबर पर बोला कि भाई जो कॉल्स आए तो उनको उठाओ। तो ज़रूरत है आप लोगों को पहुँच जाने की, और पेपर होता है तो ठीक है, नहीं तो भाई जो है जैसे चंडीगढ़ गए हो, पंचकुला गए हो तो घूमाना, वहाँ पर कुरुक्षेत्र गए हो तो वहाँ पर घूमाना, पानीपत गए हो तो घूमाना, हिसार गए हो तो घूमाना, हर जगह पर घूमने वाली जगह है। एक दिन जाना, मस्ती करना, घूमना, खाना पीना जो भी होगा देखी जाएगी। अभी तक इतनी ही बातें करता हूँ और बातें फिर करते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।